दुश्मनी में अंधे होकर दोनों ने मर्यादाएं लांघ ली अपनी। दोनों समझ नहीं पाए कि आप दोनों के झगड़े में बौंदता का पता नहीं चल पा रहा। काका बौंदता कहाँ है बताइए मुझे। वाह बैरिस्टर, क्या क्या कमाल का नाटक कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। मैं बेवकूफ हूँ क्या लगता है आपको? मुझे समझ में नहीं आता है, ये रॉय चौधरी की मिली भगत मुझे दिखाई नहीं देती है। आप दोनों ने पहले से अपना मन बना रखा है और अब काका भतीजा दोनों मिलकर यहाँ पर नाटक कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। पर बस अब जब तक बौंदता मुझे नहीं मिल जाती, आप दोनों मेरी कैद में रहेंगे। अब क्या त्रिलोचन रॉय चौधरी बौंदता को लेकर वहां नहीं पहुंचा? इसका मतलब इन जमींदारों ने हमें एक बार फिर धोखा दिया। लेकिन एक बार जब त्रिलोचन रॉय चौधरी ने बौंदता को अगवा कर लिया था तो उसे शादी के मंडप में क्यों नहीं लेकर आया? इसका मतलब बौंदता की जान को खतरा है। ठाकुमा कुछ भी कर लीजिए, मेरी बौंदता को बचा लीजिए ठाकुमा, मेरी बौंदता को बचा लीजिए ठाकुमा। तो चिंता मत कर, जमाई बाबू गए हैं वहां, वो जरूर बौंदता को वापस लेकर आएंगे। ठाकुमा मुझे भी भरोसा है चंद्रचूड़ जमाई बाबू पर, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं हाथ में हाथ धरे बैठी तो नहीं रह सकती ना। कुमा, मैं दुश्मनी की आग में अपनी बच्ची के जीवन को जलते हुए नहीं देख सकती। मैं बचाऊंगी अपनी बच्ची को, कुछ भी हो जाए मैं बचाऊंगी अपनी बौंदिता को, चाहे उसके लिए मुझे आज अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, मैं बचाऊंगी बौंदिता को, मैं बचाऊंगी अपनी बौंदिता को। अरे रोको इसे। अब आप दोनों की जान के बदले मैं बौंदिता वापस लूंगा। ठीक है बैरिस्टर बाबू, अगर तुम्हें सच में बौंदिता की परवाह होती ना चंद्रचूड़, तो तुम्हारी ये बंदूक हमारी तरफ नहीं उस इंसान की तरफ उठती जो बौंदता को उठाकर ले गया है। उस इंसान की तरफ उठती जिसकी वजह से बौंदता की जान खतरे में हो सकती है। मैं बौंदता को ढूंढने जा रहा हूँ, उसे बचाने जा रहा हूँ। चाहो तो मुझ पर गोली चला सकते हो, पर नुकसान तुम्हारा ही होगा, तो सोच लेना। अनिरुद्ध रॉय चौधरी पक्का ढूंढ लेगा बौंदता को, पर कब्जा तो मुझे करना है बौंदता के दिल पे। इसलिए अनिरुद्ध से पहले मुझे ढूंढना होगा बौंदता को, मुझे बनना होगा उसका रक्षक। बाद में समझा दूंगी, अभी तू चल मेरे साथ संभाल के। छोड़ो मुझे, मां, मां, मां।
ना पुकारना अपनी माँ को, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी माँ दोबारा कभी तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगी। चलो अब जल्दी से जलता कोयला इसकी जुबान पर रखकर आखिरी विधि पूरी करते हैं और हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं इसकी आवाज। पंडित जी विधि पूरी करिए। सोमनाथ दादा, ये आप क्या कर रहे हैं? हमने एक साथ बचपन गुजारा है, आपको याद है? आप मुझे मोदी कहते थे, फिर आप ऐसे पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? मैं जानती हूँ कि आज आप कोई रिश्ता नहीं मानते, पर एक जमाने में हम एक परिवार थे। अब भूल गए सोमनाथ दादा? बस मुझे सिर्फ एक रिश्ता याद है तुम्हारे साथ, और वो है दुश्मनी का। मेरे लिए सिर्फ तुम एक दुश्मन, सिर्फ दुश्मन। और यकीन मानो मेरा, मैं रिश्ता बखूबी से निभाऊंगा आज। नहीं सोमनाथ दादा, ये बात करना छोड़िए मुझे। के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो सोमनाथ? सोच भी कैसे लिया तुमने ऐसा करने का? दादा मेरी बात तो नाम मत लेना अपने मुंह से मेरा। अगर मेरे भाई नहीं होते ना, तो गालों पे थप्पड़ की जगह सीने में खंजर उतार दिया जाता। खंजर तो इसने घोपा है हमारे पीठ में दादा, और आप शायद एक बात भूल रहे हैं कि ये जासूस है, और मैं वही कर रहा था जो जासूस के साथ किया जाता है, तो इसमें गलत क्या किया मैंने? गलत क्या किया ये जानना चाहते हो तुम? तो मेरे सवाल का जवाब देना। वो जो खड़ी है वो सिर्फ एक जासूस है? आसोम, क्या बोलता सिर्फ एक जासूस है? इंसान भी है ना, ये बात भूल गए तुम? दादा भूल तो आप है कि क्या भूल रहा हूं सोम? यही कि सन्यासिनी बनने की सजा इसको सबके सामने मिली थी, और सन्यासिनी बनने की आखिरी विधि यही थी कि इसके जुबान पे कोयला रखकर इसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद करते। बस मौनता को सजा देने का अधिकार किसने दिया तुम्हें सोमनाथ? यह आप में से किसे दिया गया यह अधिकार? तुम उस बंदिता की आवाज छीनना चाहते थे जिसकी ताकत उसकी आवाज है? उस बंदिता की आवाज छीनना चाहते थे जिसकी शक्ति उसकी तर्क करने की क्षमता है? जानते हो ना तुम, देखा है ना तुमने, बंदिता के तर्क के आगे बड़े बड़ों की आवाज खामोश हो जाया करती थी,
और तुम उसी बोंदता की आवाज को खामोश करना चाहते थे सोमनाथ। बैरिस्टर है वो, बैरिस्टर बहुत। और तुम जानते हो कि एक बैरिस्टर का अस्त्र, एक बैरिस्टर का शस्त्र उसकी आवाज होती है। चलो बैरिस्टर ना समझे सही, इंसान तो समझ लेते उसे। जानते हो आवाज ईश्वर का दिया वरदान है इंसान के लिए। इंसान अपनी आवाज से अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं, अपना प्यार बताता है, अपना प्यार जताता है। पर प्यार की बातें तुम कहां जानो? रिश्तों की कसौटी पर खरे ना उतर सके ना सही, पर एक एक इंसान बनने की कसौटी पर भी खड़े नहीं उतर पाए तुम सोना। यहां पर कोई परित्याग की विधि नहीं होने वाली। मेरे होते कोई बोंदता को छू भी नहीं सकता, और अगर फिर भी किसी ने जरूरत की तो वो अपनी आखिरी सांसें गिनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि फिर मैं नहीं देखूंगा कि वो कोई पराया है या कोई अपना। आप सबसे विनम्र निवेदन है, आप सब भी चले जाइए, क्योंकि मेहमानों को सजा देने की परंपरा नहीं तुलसीपुर में। जाइए। चलो। बोंदता, मैं आ गया हूं बोंदता। तुम्हारे बिस्तरा बाबू आ गए बोंदता। कुछ नहीं होगा, चिंता बिल्कुल भी मत करना तुम। तुम्हारी आवाज किसी को नहीं छीनने दूंगा मैं, किसी को नहीं। आपने मुझे बचाया है, आप मेरे रक्षक बाबू हैं, मेरे भगवान हैं आप। आपने मुझे नया जीवन दिया। परिस्थिता बाबू, बचाया बहुत है, पर मेरी मां को हाथ भी नहीं लगाएंगे आप। मां, मां उठना मां। बोंदता, मैं सोमनाथ की तरफ से माफी मांगता हूँ तुम्हारी और सुमति माँ की इस हालत के लिए। मुझे नहीं पता था कि वो। आपने मुझे हर बार बचाया है, हर बुरी नजर से, हर चीजों से, हर दुश्मन से, हर कुप्रथा से। सही,
पर आज जिस कुप्रथा से आपने मुझे बचाया उसका हिस्सा मैं आपके वजह से बनी। गलत, आपने पूरी शिद्दत से मेरी जिम्मेदारी उठाई। सही, पर उतनी ही शिद्दत से आपने दुश्मनी निभाई। गलत, मैं बैरिस्टर बनी। सही, पर आपकी दुश्मनी का फल मेरे जुबान पे कोयला रख मुझे जिंदगी भर के लिए गूंगा बना देता। गलत, मेरी माँ का मेरे सामने खून बहना। गलत, आपने कहा तर्क करो फर्क आएगा। सही, पर मेरा कोई तर्क आपकी दुश्मनी मिटा नहीं पाया। ये गलत, आपने कहा बोंदिता शिक्षा चुनो, शिक्षा से सब कुछ पा सकती हो। सही, पर आपकी चुनी दुश्मनी मुझसे मेरी आवाज छीन लेती। ये गलत, आपने मेरे प्यार को समझा। सही, पर मेरे प्यार को समाज की आवाज के नीचे दबा दिया। ये गलत, मैंने दुश्मनी मिटाने के लिए ये सजा चुनी। सही, पर आप दुश्मनी निभाने के लिए चुप रहे। ये गलत, आपने कहा बोंदिता की जगह आप किसी को नहीं दे सकते, उससे बढ़कर आपके लिए कोई नहीं है। सही, सही, सही। पर उसी बोंदिता को आपने जासूस माना, दुश्मन माना, पराया माना। गलत, गलत, गलत। पर इस तरह बाबू मेरी सांसें तो चल रही है पर मैं जिंदा नहीं। मेरे दिल पे हाथ रखिए और सुनने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा क्योंकि मेरे धड़कनें रुक चुकी है। आपकी दुश्मनी ने हमारे प्यारे से रिश्ते को खत्म कर दिया है, मार दिया। आपकी दुश्मनी ने हमारे रिश्ते को, हमारे रिश्ते की डोर को काट दिया। आपकी दुश्मनी ने सब खत्म कर दिया बैरिस्टर बाबू। बैरिस्टर बाबू नहीं, बैरिस्टर बाबू हूं ना मैं तुम्हारा। मुझे बैरिस्टर बाबू बुलाती हो ना बोलता। मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मैंने हर संभव कोशिश की। मैंने बचाना, आप मुझे किससे बचाने की कोशिश कर रहे थे? मैं तो जासूस हूं ना, दुश्मन हूं। अरे आपसे अच्छे तो सोमनाथ दादा है, कम से कम उन्होंने वो कहा जो उनके दिल में था। नफरत ही सही पर सच्ची थी। लेकिन आपने क्या किया, आप झूठ का हाथ थामे खड़े रहे। आप मानते थे कि मैं जासूस नहीं हूं फिर भी आप चुप खड़े रहे। आप अगर पंचायत में कह देते ना कि आप बोंदिता को जासूस नहीं मानते तो आज ये नौबत नहीं आती। आपने नहीं रोका, मैं प्यार पाने आई थी, पर आपने क्या किया, आपने मुझे गुनहगार बना दिया। मेरी माँ की ऐसी हालत आपके वजह से हुई है बैरिस्टर बाबू, सिर्फ आपके वजह से। एक दिन आपने मुझे उड़ने के लिए पंख दिए थे पर आज ने मेरी आत्मा को घायल कर मुझे जमीन पे पटक दिया। बोलता, सारा दोष मेरा ही था क्या? मैंने तो कोशिश की ना, मैं तुमसे कहता रहा, बार बार कहा चली जाओ बोंदिता, चली जाओ बोंदिता, पर
और मैं बार बार कहती रही कि मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे आपके प्यार में मिलने वाली हर सजा स्वीकारना मंजूर था। जो मुझे मंजूर नहीं था वो था चोरों और कायरों की तरह भाग जाना। आपसे ही मैंने सच की ताकत सीखी है, तो फिर मैं आपके लिए झूठ का दामन कैसे सह लेती। और सच ये है कि मुझे भरोसा था अपने प्यार पर मैं गलत थी कि मैं आप में 8 साल पहले वाला बरिस्तरा बाबू ढूंढ रही थी, वो बरिस्तरा बाबू जो अपने दिल की सुनते थे, जो उनके दिल में था वही उनकी जुबान पे था। पर आपको पता है मैं गलत थी, मैं बिल्कुल गलत थी। आप मेरे बरिस्तरा बाबू नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप मेरे बरिस्तरा बाबू नहीं है। पर मैं समझ गई कि आपके लिए आपकी दुश्मनी ही सब कुछ है। आपकी दुश्मनी हर जज्बात से, प्यार से, इंसानियत से बढ़कर है आपके लिए। तो ठीक है अनिरुद्ध रॉय चौधरी, आप अपनी दुश्मनी को पूरे जतन से संभाल के रखिए, क्योंकि अब ये बौंदता आपके पीछे कभी नहीं आएगी, कभी आपका नाम नहीं लेगी। अब अपने अपनों से और सपनों से आपका नाम अलग करती है बौंदता। आज तक आपने मेरे लिए हर निर्णय लिया और आपके हर निर्णय को मैंने सर माथे पे सजा के रखा, पर अब नहीं, अब से अपने निर्णय मैं खुद लूंगी। अब से मैं चुनूंगी कि मुझे क्या करना है। जब मैं लौटी थी तब आपने ये फैसला सुनाया था कि आप मेरी शक्ल कभी नहीं देखेंगे, और आज मैंने ये चुना है कि आज से बौंदिता दास आपका चेहरा कभी नहीं देखेगी।